हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लेक्चर। सो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना जो लेक्चर छोड़ा था 73 नंबर क्वेश्चन पर। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला का सवाल आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम सिंस सीएम। इंटरिम का मकसद जो केयर टेक गवर्नमेंट आती है, एक गवर्नमेंट का मुद्दा पूरा हो जाता है तो दूसरी गवर्नमेंट आती है जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। उसमें इंटरिम सीएम होता है, पीएम होता है, सारे मिनिस्टर्स होते हैं। इसमें जो है इसको मुराद अली शाह को अपॉइंट किया, कायम अली शाह, आल ने मकबूल वाकर। तो मुराद अली शाह अभी रिटायर हो चुके हैं, कायम अली शाह तो बहुत करीब रिटायर हुए थे। इसका करेक्ट आंसर होगा जस्टिस रिटायर मकबूल वाकर, जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। फर्दर डिटेल्स में जाते हैं कि देखते हैं अदर कोई डिटेल्स से यहाँ से कौन सी बन सकती हैं। सबसे कहता है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल वाकर है इंटरिम चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसने क्या किया, उसने ओथ जो है 18 अगस्त को लिया था बाय द सिंध गवर्नमेंट, कामरान कैसोरी जो गवर्नर उसने किया था, हलफनामा जो उसे उठाया था। बकर फार्मर जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट, मैंने बताया आपको जैसे कि सिंध हाई कोर्ट का फार्मर जज है एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज रह चुका है। और नैब का भी जो है प्रीवियस चेयरमैन रह चुका है। उसने कहा कि 16 अगस्त 2023 को जब सिंध गवर्नमेंट का ऑटोमेटिक डिजोल्व हो गई तो उसके बाद ही इसको सीएम जो है मुकर कर दिया गया था, डिजॉल्व बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह। तो आप देखिए इसमें से भी पॉसिबल बहुत सारे क्विज बन सकते हैं। लेट सपोज मकबूल बाकर का बैकग्राउंड के रिलेटेड आते हैं, इसका डेट ऑफ बर्थ कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन कौन से अहदे के हैं। फिर उसके बाद नैब का चेयरमैन जो है कौन था, लेट सपोज जो गवर्नर भी रह चुका है तो ये आ गया आपके सामने। सिंध असम्बली कब डिजॉल्व हो गई और किसके कहने पर हो गई, तो 300-400 पॉसिबल बन सकते हैं इस स्लाइड से। तो आप इस स्लाइड से भरपूर फ़ायदा होता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा जो है नेक्स्ट सवाल आता है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद ISP, इसको वैसे ICT कहते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, शॉर्ट फॉर्म इस्लामाबाद ISP कहते हैं। अकाउंट 2023 वाली जो सेंसस आई थी उसके हिसाब से इस्लामाबाद की आबादी कितनी थी, तो उसका करेक्ट आंसर ये होगा 2.36 मिलियन, यानी 20,36,000 लोग। अब उसमें आबादी बढ़ी है कुछ परसेंट के हिसाब से। कहता है कि अकाउंट 2023 पाकिस्तान सेंसस इस्लामाबाद इधर 23,65,000, ठीक है। और जो है 28% जो है इसमें इंक्रीज आया है, जो लोगों इस्लामाबाद में जाने लगे बहुत सारे 2017 से 28% ज़्यादा। पॉपुलेशन ऑफ जो 2017 में रिकॉर्ड हुई थी वो 1.8 मिलियन थी, अब उसमें भर रहा है। और जो एवरेज ग्रोथ रेट इस्लामाबाद देख रहा है नेशनल एवरेज के साथ वो 2.4% है, ठीक है। तो ये भी सवाल इसमें आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है कि हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तान टू समिट द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। तो इसका अली सतबारा, इट इज़ पॉसिबल, डोंट नो साजिद सतबारा। अली सतबारा तो आपको पता होगा कि वो जो शहीद हो गया था, पहाड़ों में गुम हो गया था बर्फबारी में, ठीक है। और इज़ इट पॉसिबल, पॉसिबल हो सकता है और बंदे ने किया भी, वो बताने वाला आपको जल्दी। और डोंट नो तो आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव करो, ठीक है। और जो है इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा ये बनेगा आपका साजिद सतबारा, ठीक है। तो साजिद सतबारा जो है इसके बेटे हैं अली सतबारा के, ठीक है। और पॉसिबल है, ये लोग करते हैं, पहला पाकिस्तान माउंट एयर। बात करते हैं, कहता है साजिद सतबारा फर्स्ट पाकिस्तान समिट माउंट एवरेस्ट विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन जो बाहर से ली जाती है। ये अचीव द फीट ऑन द 14 मई 2023 को उसने ये मार्क अचीव किया था विद हिज सन साजिद सतबारा जूनियर, इसके बेटा था साजिद सतपारा जूनियर। उसकी कुछ दोस्त भी मिनगमा डेविड शेरपा एंड निर्मल पुजरा, वो क्या है सतपारा जो है गलगित बल्तान से वास्ता रखता है। उसने दुनिया की बहुत सारी चोटियाँ जो है उसने पार की हैं, K2, गेशमबर्ग, ये नेपाल में नहीं, K2 हमारा काराकरम रेंज में आते हैं, गेशम ब्रह्मन, ठीक है। तो ये भी इस साइड गलगित बल्तान साइड है, गेशम ब्रह्मन 2 फर्स्ट पाकिस्तान टू क्लेम K2 विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट पाकिस्तान जिसने K2 भी पास किया है विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो पॉसिबल क्विज बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन से हैं। लेट सपोज इसमें से पूछेगा कि साजिद सतपारा और आसिफ सतपारा क्या रिश्ता है, और साजिद सतपारा ने ये काम कब किया था, कौन सी तारीख थी, उसके अलावा उसके दोस्त कौन से थे, और साजिद सतपारा कौन से इलाके से रबता रखता है, वास्ता रखता है, उसने कौन कौन सी चोटियां जो है दूसरी सर पर की हैं। उसके अलावा ये आप गूगल पर करेंगे तो ये एक सवाल आएगा कि एक बंदा था नज़ीर नाम अहमद करके शायद,
तो उसने सबसे पहले जो है K2 सरपास किया था पाकिस्तान से, विदाउट आर विद आर विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। तो ये भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे देख लें ज़रूर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 76। व्हिच अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू बिल गेट्स बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट इन द 2022? ठीक है, तो कौन सा दिया गया था? हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हिलाल पाकिस्तान, अलाउद्दीन। सितारा इम्तियाज ऐसा है कहते हैं इसको, ये वो तकरीबन मिलिट्री वालों बंदों को दिया जाता है। तो उसमें से जो है सेकंड सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है तो हिलाल पाकिस्तान है। चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। हिलाल पाकिस्तान दिया गया था। बिल गेट्स आर प्रेजेंटेड हिलाल अवार्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। और 2022 में जब ये आया था विजिट पर, और ये आया था पोलियो के रिलेटेड बातें करने के, भाई इसको ख़त्म करो। सेकंड सिविलियन अवार्ड जो मैंने आपको बताया, सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। एस आई सितारा इम्तियाज तो मिलिट्री अवार्ड है। अवार्ड जो है वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कंट्री वैरायटी ऑफ फील्ड्स, साइंस रिलेटेड, आर्ट, पब्लिक सर्विस में, पब्लिक सर्विस के रिलेटेड बिल गेट्स को ये अवार्ड दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अरफ अलवी दिए गए सेरेमनी इस्लामाबाद। तो इससे भी बहुत सारे पॉसिबल सवाल बन सकते हैं जो कि आपने दिमाग में, लेट सपोज बिल गेट्स कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी कौन सी कंपनी है, इसकी कंपनी की क्या वैल्यूशन है, इसकी कंपनी कब शुरू की थी और अभी कहाँ पर होता है, और हिलाल पाकिस्तान है या पाकिस्तान के सिविलियन अवार्ड्स कितने होते हैं, मिलिट्री अवार्ड्स कितने होते हैं। ये सवाल आपसे आ सकता है कि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है मिलिट्री का, और सिविलियन अवार्ड कौन सा है, उसके अलावा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने किन किन लोगों को जो है हिलाल पाकिस्तान ने दिया। तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चन बन भी सकते हैं और आ भी सकते हैं।